लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रदेश की सभी सीटों पर कब्जा जमाया और अब बीजेपी की निगाहें विधानसभा चुनावों पर भी हैं। और विधानसभा चुनावों में बीजेपी जीत के लिए क्या कुछ तैयारी कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तोड़फोड़ और जोड़ तोड़ का खेल जबरदस्त तरीके से चलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी टीम ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा 75 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य यानी मिशन 75 हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मंडल और बूथ स्तर के कार्यक्रम निर्धारित करने के बाद टीम मनोहर की निगाह अब दूसरे राजनीतिक दलों के उन विधायकों पर है जो भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतना चाहते हैं। इनेलो, कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी समर्थित ऐसे तमाम विधायकों को देर सवेर भाजपा में एंट्री दिलाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 2 माह के अंतराल में 1 दर्जन से अधिक विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भाजपा का दामन थाम चुके हैं। सबसे अधिक टूट फूट प्रमुख विपक्षी दल इनेलो में हुई है। इनेलो के पास कभी 19 विधायक हुआ करते थे, इनमें से 4 विधायक जननायक जनता पार्टी के पास चले गए, जबकि 2 विधायकों का निधन हो चुका है। इनेलो के पास अब मात्र 8 विधायक ही बचे हैं, बाकी भाजपा या कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस विधायकों की संख्या 17 है, इनमें से 13 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में है, जबकि जजपा के पास वे 4 विधायक है जो इनेलो से टूट कर आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की टीम दूसरे दलों के उन विधायकों को लगातार पार्टी ज्वाइन करा रही है जिनके भाजपा में आने का राजनीतिक फायदा मिल सकता है। 2 दिन पहले ही फतेहाबाद के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया को भाजपा में शामिल किया गया। इसके बाद रविवार को चौटाला सरकार में मंत्री रह चुके जेपी नायर जजपा से भाजपा में शामिल हो गए हैं। दरअसल भाजपा दूसरे दलों के इन विधायकों को एकदम पार्टी में शामिल करने की बजाय धीरे धीरे एंट्री कराएगी ताकि विधानसभा चुनाव तक एक माहौल बना रहे। मुख्यमंत्री जिस भी जिले में जाएंगे वहां संबंधित विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या पूर्व विधायकों को भाजपा में ज्वाइन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद हरियाणा भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक के बाद ये संकेत दिए हैं कि उनके संपर्क में इनेलो, कांग्रेस और जजपा समर्थित कई विधायक हैं, उन्हें समय, माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से भाजपा में ज्वाइन कराया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में आज भाजपा के हक में पूरा माहौल है। प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकारों में अपनी आस्था जताई है। लोग सरकार के काम और नीतियों से बेहद खुश है। दूसरे दलों के कई नेता, विधायक और पूर्व मंत्री फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री अपने उचित समय पर साफ छवि के नेताओं को ही पार्टी में एंट्री दिए जाने के हक में है।